देखो देखो अपने इस मनहूस चेहरे की तरफ, किस कदर बदसूरत हो तुम। इस तरह के मकरू चेहरे से भला कोई मोहब्बत कर सकता है? जवाब दो, जवाब दो, सच बताओ। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं वाकई में मनहूस हूँ, बदसूरत हूँ, मकरू हूँ। कहो कहो कि मैं नफरत के काबिल। जी जी मैं नफरत के काबिल। अभी सच बोली ना तू? हाँ बिल्कुल सच। ये देख देख, ये तेरी छोटी नागिन कैसे घूर रही है मुझे, जैसे अभी डस लेगी। मैं इसको अभी बताता हूँ। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, नीलम को कुछ ना कहे। माँ हूँ, माँ की चीखें सुन के आ जाती है। तो ये तेरा कसूर हुआ ना, चीखती क्यों है? बर्दाश्त किया कर, बर्दाश्त करने की आदत डाल। जानती नहीं बर्दाश्त करने का कितना सवाब है? वैसे तो तू बड़ी हाजन नमाजन बनती है। होटल का रास्ता मालूम है मुझे, बस 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। जब तक चंदा आग बरसाने वाला गोला ना बनकर आए। जेब कहाँ ढीली करते हैं आप। सलाम चंदा जी। तुम क्या मुंह उठाकर किसी भी वक्त चले आते हो? दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी मनहूस शक्ल सुबह आकर दिखाना। इतनी संगदिल ना बनो चंदा, तुम्हारी सूरत देखे बगैर चैन कहाँ आता है। तो ये बकवास तुम सुबह आकर कर लेना, अभी मैं होटल जा रही हूँ। होटल? हाँ, अपने एक यार से मिलने, सारी रात वहीं रहूंगी। तो मैं आपको होटल ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरा वेट करो गाड़ी में, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये आपके लिए। मेरी गुड़िया रानी सो जाओ, चंदा मामा आएंगे तुझे साथ ले जाएंगे। मेरी प्यारी गुड़िया रानी सो जाए, चंदा मामू आएंगे तुझे साथ ले जाएंगे। चंदा मामू आएंगे तुझे साथ। जब भूख लगी हो तो लोरी सुनने नहीं आती, खाना खाने से आती है। खाने के लिए कुछ नहीं है मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा कुछ दे के नहीं गए। मामा फ्रिज में खीर रखी है ना। वो खीर किसी को खाने की इजाज़त नहीं है मेरी बच्ची, वो सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए है। प्लीज मामा मुझे सख्त भूख लगी है। Oh
तुम रात मुझे होटल छोड़ने के बाद वापस ही नहीं गए, सारी रात पार्किंग में ही गुजार दी। उसी का तो इनाम मिला है कि तुम जैसी हुसन की देवी के साथ बैठकर आज नाश्ता कर रहा हूँ। परवेज, तुम मुझे बदनाम कर दोगे। इसलिए तो कहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। अफोर्ड कर लोगे मुझे? कर लूँगा, चाहे मुझे चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, किसी का कत्ल करूँगा, पर तुम्हारे सब नाज नखरे उठाऊँगा। मुझे इसी तरह होटल, गेस्ट हाउस या जहाँ भी मैं कहूँ लेकर जाओगे? बड़ी खुशी से। दावे सभी करते हैं, बाद में सब बदल जाते हैं। नहीं बदलूंगा, अगर बदला तो तुम जूते मार मार कर मुझे ठीक करना। चंदा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पांव धो धो कर पीऊंगा, तुम्हारी गुलामी करूंगा, और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है ना जवाद, उससे भी हसद नहीं करूंगा। जब जी चाहे वो आए, जब जी चाहे वो जाए। उसे तो नैब वालों ने पकड़ रखा है, पता नहीं कब छोड़ते हैं। मेरा धंधा बंद करवाने पर तुला हुआ है ये नैब, चुन चुन कर मेरे आशिकों को पकड़ रहा है। मेरे बारे में क्या हुक्म है? पहले तुम अपनी पहली बीवी को तो तलाक दो, फिर सोचूंगी। जोर से दबा, जान नहीं है तेरे हाथों में, खाते वक्त तो तुम्हारे हाथ नहीं रुकते। अच्छा भी ये ड्रामा बंद कर और जा जाके खीर लेके आ। खीर? क्यों मौत पड़ गई तुझे? कहीं तू हड़प तो नहीं कर गई? बच्ची रात को भूखी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, खीर उसने खा ली, मैं मना नहीं कर सकी। बच्ची पे इल्जाम ना लगा, सही सही बता, खीर तूने खाई है ना? नहीं पापा, खीर मैंने खाई, मामा ने तो सकी भी नहीं। अच्छा तो तूने खाई थी खीर, तू भूख से मर जाती, पर तुझे मेरी खीर खाने का हक नहीं था। नजमा जाओ छुरी लेकर आओ, सुना नहीं तुमने? आपने जो भी सजा देनी है मुझे दें, बच्ची को कुछ मत कहें, उसे पहले भेज दें। इस दफा सजा तुम्हें नहीं, तुम्हारी सिंधागन को मिलेगी। इसका पेट फाड़ कर मैं अपनी खीर निकालूंगा। प्लीज सिकंदर, आप अपनी बच्ची को माफ कर दें, उसे सजा नहीं दें। अच्छा माफ कर दूं? चलो ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहता। ऐसा करो, फिर ये काम तुम करो, तुम इसके पेट को फाड़ कर इससे खीर निकालो। क्यों, अपने मिजाजी खुदा की बात नहीं मानोगी? अपने सरताज का हुक्म पूरा नहीं करोगी? हाँ मेरे मजाजी खुदा जरूर है, मगर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। दुनिया की कोई भी माँ अपनी औलाद को खराश तक नहीं आने देती। तो फिर ऐसा करो, ये लो छुरी, तुम मुझे कत्ल कर दो, इससे आप मुझे ही मार दें। बड़ी तुम चलाक हो, हाँ, ताकि तुम्हारे कत्ल का इल्जाम मेरे पे आ जाए और मीडिया वाले यहाँ आकर गला फाड़ फाड़ कर चीखे कि एक दरिंदे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। वाह, मुझे मरवाना चाहती हो? हाँ, फिर आप क्या चाहते हैं? तुझे तलाक देना चाहता हूँ। मेरा कसूर क्या? तुम्हारी शराफत, मुझे तुम जैसी बीवी नहीं चाहिए थी जो मुझ पर अपने हुसन की बिजलियां ना गिरा सके, जो तस्मियां पड़ती रहे हर टाइम। मेरे माँ बाप ने तो मुझे हमेशा यही सिखाया, नमाज रोजे और पर्दे का पाबंद बनाया। तो ये नेकी का स्टेचू अपने घर रखते ना, मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? मर्द को हमेशा वो बीवियां पसंद आती हैं जिनमें कोई नाज हो, नखरा हो। हदीसें सुनाने के लिए मौलवी कम है, तुम मुझे हदीसें सुनाती रहती हो, और तुम्हारी शराफत को मैं गले में डाल के घूमूं? मुझे जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, कोई एंजॉयमेंट चाहिए, कोई फ्रेशमेंट हो, और तुम किसी बात पे, तुम्हें जो है शर्म आती है, किसी बात की तुम पर पाबंदियां लगी हुई है, मेरी समझ में नहीं आता। अब मुझे भी शर्म बनना पड़ेगा। तुम कुछ मत बनो, तुम सिर्फ तलाक लो और दफा हो जाओ यहाँ से। ना, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, अपनी बेटी को दारुल अमान लेके जाओ, उसे पालो वहाँ। नहीं करो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ।
और अब मैं कल सुबह ही आऊंगा। तुम अपना सामान पैक करके रखना। भाई समझ में बात? मामा ये तलाक क्या होती है? बेटा ये मर्दों के लिए खिलौना और औरत के लिए सारी जिंदगी का रोना होता। मैं तो समझती थी नैब वाले अब तुझे नहीं छोड़ेंगे जवाज। वो तो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से जमानत करवाई है। किस तरह? उस बात को छोड़, पता चलती है मिर्चा लंदन। लंदन? हाँ, इससे पहले कि मेरा नाम भी ECL में आ जाए, मैं हमेशा के लिए यहाँ से उड़न छुआना चाहता हूँ। वहाँ जाकर कहीं भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा? कैसी बातें करती हो जान, बहुत पैसे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शिफ्ट करवा दिए। हाँ, रेस्टोरेंट खोलेंगे अपना, ऐश करेंगे ऐश। ओके, फिर डन। श्योर? हाँ, चलो फिर। मर्सी। हाँ, क्या काम है? मैं अपनी बीवी को तलाक दे आया हूँ तुमसे शादी करने के लिए। देखो परवेज, जवाद वापस आ गया है, मैं इसके साथ लंदन जा रही हूँ। मगर तुमने तो वादा किया था कि अगर मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। हाँ तो मैंने कोई टाइम टेबल तो नहीं दिया था ना कि तेरे अपनी बीवी को तलाक देने के फौरन बाद मैं तुझसे शादी कर लूंगी। फिर देखो अभी तो मैं जवाद के साथ लंदन जा रही हूँ, वहाँ से अगर 2-3 साल तक वापसी हुई तो तुम आ जाना, कर लूंगी शादी। ओके चंदा, बस अब जाए यहाँ से, बहुत देर हो गई है, मैं जवाद के साथ जी, इसे बुरा लग रहा है।